Hey guys, click on the bell icon to get amazing web series from Dice Media. रिटायरमेंट के पैसे से खरीदी थी यार। मैंने तो पहले ही बोला था रिटायरमेंट के पैसों से खरीदी है। पिंटू इतना मारूंगा। हजार किलोमीटर भी नहीं चली थी अभी। अब जो हो गया सो हो गया, ठीक करवा लेंगे। अरे क्या जो हो गया सो हो गया, एक खर्चा और बढ़ गया ना। मालूम है मुझे, लेकिन अब यहाँ खड़े खड़े ताकने से क्या फायदा। बुलाओ अपने मैकेनिक को। पहले दिन ठोक दी। पापा जानबूझ के थोड़ी ना किया होगा यार, छोड़ो ना घर चलते हैं। अरे जानबूझ के वाली बात थोड़ी है, ध्यान से नहीं चला सकता था। 6 महीने तो पहले मैंने प्लास्टिक नीचे किया था सीटों का। हैं? ब्लडी अनीता के पापा? ओ हेलो, मैं भी हूँ यार। हाँ, लेकिन आप भी ना, पहले दिन इतना प्यार दिखाने की क्या जरूरत थी। जा तो रहा था ऑटो में और खबरदार अक्षता के सामने गाली दी। इस्माइल भाई मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ। अरे नेटवर्क प्रॉब्लम है यार, यहाँ अक्षता ने आपका नंबर दिया है। अक्षता जी प्रकाश जी की बेटी। नहीं, वो जो ट्रू कॉलर पे अनीता आ रहा है वो मेरी ही बीवी है यार। आप एक बात बताइए, कब तक आ रहे? 11 बजे 12 बजे तक? खुद ही नोटिस लगाते हैं कि लिफ्ट का बटन एक बार दबाओ और खुद ही तोड़े जा रहे हैं। अरे टूटा नहीं है इस्माइल भाई, बम्पर लटक गया सिर्फ। आपको मैं एक सेकंड होल्ड करो। बेबी आई एम सॉरी, इट वाजंट इवन माय फॉल्ट, आई डिडंट डू एनीथिंग। क्या कब हुआ है बेबी? अरे यार बेबी कैसे हो जाएंगे इस्माइल भाई यार, साल भर नहीं हुआ शादी को। आप एक से अनीता, आई एम कॉलिंग यू बैक। अनीता आई कॉल यू। इस्माइल भाई मेरे अकाउंट में 45,000 रुपये पड़े हैं, मैं 44,000 अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। आप प्लीज बस आ जाओ यार। आप कहो तो मैं टैक्सी बुक करवा दूं आपके लिए। क्यों बुक करता टैक्सी? हमने क्या गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी करने के लिए खरीदी थी? सबको दिखाने के लिए? आइए देखिए, हमारे पास गाड़ियां पार्किंग लॉट में खड़ी रहती है। तुम तो चलाती नहीं हो, गाड़ियां खड़े खड़े खराब हो जाती हैं यार। पापा प्रॉब्लम क्या है? निखिल ठीक करवा देगा ना गाड़ी। अरे निखिल कैसे ठीक करवा देगा, दामाद है हमारा, पैसे की कमी है हमारे पास, हम करवाएंगे। अरे बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हो, मैंने बोला था गाड़ी मत खरीदो, टप्पा लाकर खड़ा कर दिया सबके सर पे। डब्बा बोल रही तुम? तुम मेरी गाड़ी को डब्बा बोल रही हो? डब्बा बोल रही है मेरी गाड़ी को? अब तुम देखना, अब उस डब्बे के साथ मैं वो करूंगा जो मेरा मन करेगा। मैं उस डब्बे को सबको दूंगा, सबको डब्बा चलाएंगे। पिंटू चलाएगा, निखिल चलाएगा, ये चलाएगी गाड़ी वाले, सोसाइटी वाले, भाई साहब डब्बा चलेंगे मेरा, भाई साहब डब्बा चाहिए। आप देखना, मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी पापा। आई मीन वो ऑटो वाला एकदम से साइड से आ गया और मुझे दिखाई नहीं, मेरी गलती नहीं थी। हाँ, सारी गलती तो मेरी है, इस घर में तो मेरी कोई वैल्यू है ही नहीं। अक्षता आज तक इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी है। सुधा जी आपकी कौन सी बात मैंने नहीं मानी? 2 हफ्तों से कह रही हूँ माइक्रोवेव ठीक से चल नहीं रहा है, अनीता के दरवाजे को ऑयलिंग चाहिए, कितना शोर मचा रहे, और शादी की फोटो कब लगवाओगे? तो 30 साल हो गए हमारी शादी को, और कितने फ्रेम लगवाएंगे आप शादी के? अनीता और निखिल की शादी के फोटो। हाँ तो मेरी बात सुन लिया कीजिए ना कभी कभी। आप रहमान गया है गाँव, आपको बता चुका हूँ, आएगा शादी के फ्रेम लगा देगा वो। रहमान का बहाना मत बनाओ, 50 काम है, दरवाजे की ऑयलिंग तुम भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ बहाना। अरे मैं सब कर दूंगा यार। कुछ काम मत करो, बस गाड़ी ठीक करवाओ। कल मुझे तनुजा के यहाँ जाना है शाम को, अपनी गाड़ी में ही जाऊंगी मैं। मैं नहीं जा रहा तनुजा के यहाँ, तुम्हारे दोस्त है तुम मिलो। दोस्त नहीं है वो, मेरी बहन है। वही बहन है तुम्हारी, तुम जानो तुम्हारी बहन जाने। मैं जानता हूँ कि ये गाड़ी आपके लिए सिर्फ गाड़ी नहीं थी, आपने अपनी रिटायरमेंट के पैसों से खरीदी थी ये गाड़ी। यू नो आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल। पापा आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, पिछली बार भी तुम नहीं आए थे, कितना बुरा लगता है। वो बिजी है, कब तक बहाने बनाऊंगी मैं? अरे मुझे उसके पति की वाइफ अच्छी नहीं लगती। क्या कमी है तनुजा में? अरे वाइफ नहीं, वाइफ। अरे समझाओ यार इनको वाइफ का मतलब। यार मैं नहीं समझा रही। तुम क्यों नहीं जा रही?
तुम जाओ साथ, ये जाएगी। मैं कहीं नहीं जा रही। हेलो, नहीं ये जाएगी। नहीं मुझे मत घसीटो यार इस बात पर। मैं बात कर तनुजा के यहाँ अकेले नहीं जा रही। बस बस कर यार, साथ और यू टू आर वर्स देन दोस बैचलर्स। देखो सेक्रेटरी और उनकी बीवी को पूरे मोहल्ले को सुनाते हुए जा रहे हैं। डिस्गस्टिंग, यूज़लेस यार। तो पता नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं आ सकते। अब अंदर जाकर इस बात का जिक्र मत करना। वो तो क्या हर वक्त टिक टिक करती रहती है। निखिल 2 दिन पहले ही आया है, बुरा लगता है। दिन रात मेहनत करके गाड़ी लो। बुरा लगता है कुछ बोलोगे तो। उसको डब्बा बोल रहे हैं लोग। अक्षता तुमने भी कुछ नहीं बोला ना, याद रखूंगा। घुसना डब्बे में, देखता हूँ कौन आएगा डब्बे में। पापा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, नींद ठीक से आई? हाँ हाँ माँ। दिल साफ हो तो तकिए पे सर रख के नींद आ जाती। रिपेयर योरसेल्फ। पापा वो एक्चुअली कल, आज तो कमाल ही हो गया ना। मैं कुल्ला कर रहा था अंदर, क्या देखता हूँ पिंटू खड़ा आके दरवाजे पे। सुबह सुबह पिंटू, मैं हैरान से देख रहा हूँ पिंटू ये सुबह सुबह क्या कर रहा है यहाँ पे। मेरी तरह से करके देख रहा हूँ आँख फाड़ के। मैं पिंटू क्या हो गया भाई, कुछ नहीं बोल रहा है, चुप एकदम ऐसा देख रहा है। मैंने कहा पिंटू बता क्या हुआ। पता क्या बोला? बोला आपकी गाड़ी खराब हो गई। हाँ एक्चुअली वो बीविंग वाले बच्चे क्रिकेट खेलते वक्त तोड़ी होगी उन्होंने जरूर। हाँ वही बच्चे, क्या शॉट मारा होगा ना। पापा आप उन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे वो उधर सब बंगाली लोग रहते हैं, बहुत आर्गू करते हैं, उनसे जीत नहीं सकता मैं, फिर पंगे में नहीं पड़ता। मैं काम करता हूँ, मैं आज काम से आते ही ठीक करवा देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, प्रकाश करवा देंगे ना। प्रकाश शर्मा। पर आप क्यों तकलीफ लेंगे, मैं करवाऊंगा ना। अरे निखिल हम जिस उम्र में उसमें लोग तकलीफ लेते नहीं देते। पापा माँ अब मैं नाश्ता बनाती हूँ। व्हाट? डोंट आस्क मी, जस्ट वेलकम टू द मैड हाउस। Never mind, I'm gonna let some contradictions be silenced. It's just like an apple on a tree, once a day keeps the doctor away, but there'll be trouble, I feel it coming this way. So I tell myself that it don't mean shit, if it just don't fit, I'm still ready for it. And I feel the love that is like moonlight, and it just don't fit, makes me feel alright. Oh, makes me feel alright. Akshata, फोन रखो और चुपचाप खाना खाओ। यार पापा इज आल्सो रीडिंग, निखिल भी लैपटॉप पे लगा हुआ है। निखिल लैपटॉप पे काम कर रहा है, और तुम्हारे पापा घर के बड़े हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ पर मैं दीदी से बात कर रही हूँ ना। सो निखिल आज भी मैरिड? नहीं आज मेरी मीटिंग पवई में। ओह पवई, नाइस प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल। गया हूँ मैं 3-4 बार, नाइस। पर आज तो मैकेनिक ले जाएगा गाड़ी, तो गाड़ी मैं शाम को फ्री होते ही ठीक करवा दूंगा। मतलब मैं शाम को कुछ कर नहीं रहा हूँ तो मैं गाड़ी ठीक करवा दूंगा। अजीब आदमी है यार, टूटी हुई गाड़ी लेके जाओगे बहुत खराब इंप्रेशन पड़ेगा। नहीं नहीं टैक्सी में भी तो जा सकता है ना, नीचे आराम से मिल जाएगी। हाँ, हाँ, लाइन लगी रहती है ओला उबर वालों की। यार पवई तो जाना है, ऑटो भी ले सकते हो। ठीक है ऑटो में जाएगा तो पहुंचते पहुंचते पसीने से गीला हो जाएगा। क्या गीला हो जाएगा पसीने से, मैं इतनी बार बैठा मैं तो कभी पसीने से गीला नहीं हुआ, ये गीले हो जाएंगे। अरे यार गाड़ी लेने की प्रॉब्लम क्या है, मीटिंग में थोड़ा ना कार लेके घुसेगा। अरे पिंटू को बोला हुआ है, मैकेनिक आएगा अभी चाबी लेने के लिए। तो ठीक है कुछ काम कर लूं मैं भी घर के। हाँ हाँ उसी बहाने घर की जरा मरम्मत भी हो जाएगी। लेकिन मैं कह देती हूँ
आज शाम को तनुजा के यहां मैं अकेले नहीं जाऊंगी और अपनी गाड़ी में ही जाऊंगी। वो एक्चुअली मुझे पवई के बाद दो और जगह जाना है, तो मैं जूम कार बुक कर लूंगा। आई थिंक सबसे कन्वीनियंट वही रहेगा। जूम कार? क्या नई कैब सर्विस है कोई? हम लोग वैसे कुछ है, रेंटल सर्विस है। आप मतलब गाड़ी रेंट करते हैं, खुद ही चलाते हैं? ड्राइवर नहीं भेजते हैं? सेल्फ ड्राइवर। ध्यान से चलाना, किसी और की गाड़ी है। अच्छा होगा, दूसरी गाड़ी आ जाएगी, कम से कम आप पर तो डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ये ले चाय पी। वैसे मैं सोच रहा था कि तूने इंप्रेशन क्या सही सा जमाया है। हाँ, अगर मुझे पहले पता होता कि तू इतना इरेस्पॉन्सिबल है, मैं तुझे हायर ही नहीं करता। Did I make a mistake by hiring you? It's not funny, यार। नहीं नहीं, I'm not smiling. Am I smiling? I mean, पहले फोन चोरी हो गया, ये गाड़ी ठोक दी, just this trip is going to be the biggest disaster of my life. What a thing to say to your boss about your work trip. सही फॉर्म है तू, एक-एक करके सही इंप्रेशन जमा रहा है सब पे। I'm serious. मेरी लगी पड़ी है। ऐसे ससुर जी ने तो तेरी सही ले ली होगी ना? No, man. Fuck off. No. Really? Really? वो गाड़ी भी खुद ठीक करवा रहे हैं और मुझे पैसे भी नहीं देने दे। I mean, what do I do? Isn't that obvious? एक तो तूने उनकी गाड़ी पे डेंट मारा, ठीक है? अब तू कह रहा है कि मैं आपको पैसे देकर आपकी ईगो पे भी डेंट मारूंगा। हाँ, that could be the thing. सच में ये पहले नहीं सोचा। Experience, bro, experience. इसे कहते हैं। So, what do I do? Do you have some real advice? Let's just get more involved with the home, man. कोई नलके वलके लीक हो रहे हैं, ठीक कर दें। अंकल की चप्पल टूटी है, ठीक कर दें। प्याज व्याज कम हो के नीचे जा, प्याज व्याज लेकर आ जा, सेट कर दे घर उनका। उसकी छोटी बहन है ना? Yeah. उसके लड़का ढूंढ दे, सिंपल। I would have offered myself, but 24, you know, yeah. But she would have killed you, she would have killed me, she would have killed just the girl. Get to the your point. Chill maar, dude. Tu damad hai. Tu ek gaadi kya, do teen gaadiyan thok. Ghar jala de, koi kuch nahi bolne wala. Chill maar, Mr. Damad. You're like a walking, talking cliche, Nikhil. Pehle din pe hi gaadi thok di. But I said sorry na, yaar. Mujhe kyun sorry bol rahe ho? Meri gaadi to theek hai. But your parents? अनीता वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फुल ऑन डिनायल मोड पे चले गए हैं यार। ऑब्वियसली यार, यू आर द प्रेशियस दामाद जी, डिनायल ही तो और क्या करेंगे। व्हाट दामाद जी यार, फील लाइक शिट। और ऊपर से पैसे भी नहीं ले रहे हैं, बताओ। आई नो तुम्हारे पापा ने रिटायरमेंट के पैसों से लिया है यार गाड़ी, मैंने ऊपर से खर्चा बढ़ा दिया उनका। निखिल, तुम जो भी कर लो ना, मम्मी पापा तुमसे पैसे नहीं लेने वाले। ओके? यू डोंट नो अनीता, आई थिंक मैंने उनका झगड़ा भी करवा दिया, पता है। Baby, I love you, but I think you're giving yourself a little too much importance. Okay, if you want to know, I'll tell you the story. So, mommy has to go to Tanu Masi's house for dinner, but the thing is that Papa really doesn't get along with Tanu Masi's husband, so Akshita needs to be there to be the glue between everyone, but Akshu doesn't like going to any of these events. Wait a second. Agar Akshita interested nahi hai and Papa jayenge nahi, so what? Is she going to ask me? No, I'm not going anywhere. Please, yaar, please, I'm not going anywhere. अरे वो तो मैंने उनको सुबह ही आज पापा बोला। आई थिंक ही डिडंट नोटिस, और मे बी ही जस्ट इग्नोर्ड मी। आई थिंक आई एम श्योर ही इग्नोर्ड मी यार। लिसन, आई थिंक यू शुड गो विद मा, आई थिंक यू शुड सी इट एज अ लाइक अ लाइट पनिशमेंट, यू नो, फॉर फकिंग अप द कार। कैसी बीवी हो यार तुम? द बेस्ट। अच्छा लिसन, डोंट टेक इट सो सीरियसली, सब ठीक हो जाएगा। I know. Okay, I gotta go. Will you keep me posted? हम्म। नहीं तो आपको आपकी बहन से तो अपडेट मिल ही जाएगा, नहीं? Yes, we all have eyes on you. Okay, baby, I gotta go. I love you. मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बात, इतनी शांति, मत सब सो रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अक्षता तो सुबह सुबह निकल गई बिना कुछ खाए, और प्रकाश कार मैकेनिक यहाँ गए हैं, आज मैंने उन्हें काम पे लगा ही दिया। अच्छा माँ, ये बहुत पुराना 2-in-1 है ना? ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी का गिफ्ट है। प्रकाश लेट नाइट तक काम करते थे ना ऑफिस में, तो वो ये ट्रांजिस्टर ले आए मेरे लिए।
ताकि मैं अकेली घर में बोर ना हो जाऊं. That's very sweet. वैसे बहुत सारी चीजें हैं इस घर में जो हमने एक दूसरे को बर्थडे या एनिवर्सरी में गिफ्ट दी. Wow. I mean, मुझे कभी नहीं लगा कि पापा इतने रोमांटिक होंगे. नहीं, इस बात पे कुछ ना बनाना चाहिए. नहीं okay. आप स्मूदी पियेंगी? स्मूदी मतलब? स्मूदी मतलब मिल्क शेक. मैं बनाती हूँ. अरे नहीं, नहीं, आप बैठिए ना, रिलैक्स कीजिए. आप जानती हैं जब भी अनीता गुस्सा हो जाती है ना मुझसे, जब भड़क जाती है बहुत ज्यादा, तो मैं उसको स्मूदी बना देता हूँ. जैसे ही स्मूदी अंदर, मैडम का सारा टेम्परेचर डाउन. हाँ, बचपन में भी कभी कभी वो ऐसी जिद पकड़ लेती थी और मानती ही नहीं थी. फिर उसके पापा और मुझे उसको जुहू बीच ले जाना पड़ता था. बर्फ का गोला खाने के बाद ही हंसती थी. शी इज वेरी स्टबर्न समटाइम्स. माई, मिक्सर चल नहीं रहा है. अरे बेटा, वो कभी कभी चलती है, कभी कभी नहीं चलती वो मिक्सी. प्रकाश करा देंगे ठीक एक दो दिन में. Okay. तुम सोच रहे होगे ना कि कैसे लोग हैं. बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं सोच रहा था कि मैं सारा दिन फ्री हूँ तो सारा काम मैं करवा देता हूँ. दो तीन घंटे लगेंगे. That is really sweet of you, but तुम तकलीफ मत लो. वैसे तुम शाम को फ्री हो? हाँ बताइए. मुझे मुझे मेरी कजन के यहाँ जाना था वर्ली, तो तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ मतलब. नहीं, अगर फ्री नहीं हो तो कोई बात नहीं. नहीं नहीं, फ्री मैं हूँ. मैं अंकल नहीं आएंगे, उनको कुछ और काम है. तो अगर तुम फ्री हो तो चल पड़ो मेरे साथ. ठीक है, मैं चल पड़ूंगा आपके साथ. ठीक है, मुझे तनुजा के लिए गिफ्ट लेना है तो मैं मॉल जा रही हूँ. अच्छा. ये कौन है? ये इलेक्ट्रीशियन है, काम कर रहा है. इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, मैं लाऊं ना रहमान को? रहमान, सलाम अलैकुम. अरे आ गए रहमान. सलाम. नमस्ते. अरे ये नया माइक्रोवेव कहाँ से आया? ये इलेक्ट्रीशियन को तुमने बुलाया? नहीं, ये माइक्रोवेव तुमने लाया? नहीं, इलेक्ट्रीशियन को तो मैंने बुलाया. और ये माइक्रोवेव और वो मिक्सर माँ, वो मैंने खरीदे. क्यों? क्यों? वो एक्सचेंज ऑफर था तो. और ये? ये विकास है, इलेक्ट्रीशियन. अरे आपने क्या बोला था, वो बिजली का काम करवाना है, so I called him. हाँ, पर मुझे लगा तुम रहमान को बुलाओगे. अरे मुझसे पूछ तो लेते एक बार, रहमान हमारे यहाँ 20 साल से काम कर रहा है. 22 साल से? मैंने साल गिना नहीं गिना रहा हूँ, चुप रहो एक मिनट. और मिक्सर कहाँ गया? वो तो मैंने बेच दिया. वो तो ऐसे बेच दिया? हाँ, वो एक्सचेंज ऑफर था ना तो सस्ते में मिल गया था. मेरे से पूछ लेते ना एक बार, इतनी जल्दी क्या थी यार, बुला लो. अरे इलेक्ट्रीशियन को सुनो, अब कैसा लगेगा जाओ. एक मिनट, मैंने बुलाया इलेक्ट्रीशियन, अभी तो बताया मैंने. आई कॉल्ड हिम. अरे ये वायर क्यों छेड़ रहे हो? अरे वायर में तो फॉल्ट है चाचा. किधर है फॉल्ट? किधर है, किधर है, दिखाओ. मैंने सेटिंग की है. अरे देखो पूरी तार जल गई है. अगर रात भर एसी चलेगा वायर तो जलेगी ना. अरे दिन रात एसी नहीं चलता है रहमान, इनसे गलती हो गई. ऑन छोड़ दिया इन्होंने, निखिल दामाद हमारे. सॉरी. तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? अरे सर, सर जाड़ी तार लगवाओगे तो 24 घंटे तक एसी चल सकता है. 24 घंटे एसी चलेगा तो बिल तुम्हारा बाप भरेगा क्या? अरे बोलने दो ना उनको, बड़े हैं तुमसे. 20 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं. 22 साल से मालिक. साल गिना नहीं गिना रहा हूँ रहमान, चुप नहीं कर सकते क्या तुम? सर वैसे अगर पहले से सही काम हुआ होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती. ए क्लाइंट नहीं मारने का. ये जो फैंसी शर्ट पहन के आते हैं ना, ये लोग ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं. एक काम करो, ये माइक्रोवेव और ये मिक्सी वापस करो.
आपको ये वाले पसंद नहीं आए? अरे नहीं नहीं सुधा की मम्मी ने हमको हमारी 20वीं सालगिरह पे गिफ्ट किए थे। I'm sorry, I didn't know. Now you know. छोड़, क्या कर रहे हो? जाते क्या कर रहे हो आप? छोड़, बस छोड़। बहुत हो गए कार्यकारी तुम्हारी। आप करने दोगे क्या? अरे रमाई कर रहे हो ना? मालिक वायरिंग छेड़ रहे, मानता नहीं वायरिंग छेड़ रहे। छोड़ो ना यार आप। सब लोग चुप, जिसका यहाँ काम नहीं है वो बाहर जाए। रहमान जाओ, और तुम आउट आउट। ये रखो मेरा कार्ड, लगेगा तुमको। ना कितने पैसे हुए तुम्हारे? सर 1000 रुपए। 1000 कैसे हो गए? अरे सर 500 रुपए अपना सर्विस फीस, 500, 200 रुपए कंसल्टेशन चार्ज, 700, और 200 रुपए का मटेरियल, 900। ये 100 रुपए अलग से किस चीज के? सर कन्वेंस। कहेगा कन्वेंस है, पागल हो गया? अरे पापा क्या हुआ? अरे आप क्यों दे रहे हैं? अच्छा आप दे दो। ले लो, निकलो, दोबारा मत आना इधर, निकलो, आ जाओ। सुधा, अरे क्या हुआ सुधा? अरे ऐसे बात बात पे नाराज नहीं होते यार, क्या लगा यार? हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। अरे चलो ना, चलो तो सही, जो जैसे नाराज हो जाते तुम। ये देखो ना, देखो कितना बढ़िया माइक्रोवेव लेके आया ये निखिल। लुक एट इट, सो ब्यूटीफुल है। वाओ, सो मेनी बटन्स हैं, कमाल है यार। अरे ये तो चल नहीं रहा, मेन स्विच। कितना इजी सोल्यूशन था देखा? तुम ना छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती हो, इतना गुस्सा मत करो नहीं तो एक दिन तुम फट जाओगी। अरे तैयार नहीं हुए तुम? हाँ मैं बस अभी हो जाता हूँ। मैं कोई बात नहीं रहने दो, मैं जाता हूँ। मम्मी तुम्हारी माइक्रोवेव और ट्यून वन को लेके ना बहुत अपसेट है, तो मैं जाता हूँ, रास्ते में बात भी कर लूँ। पापा मैं चलता हूँ। अरे तुम चिंता नहीं करो ना, कल तक मैं मम्मी और ट्यून वन दोनों को ठीक कर दूंगा। अरे निखिल बेटा तुम तैयार नहीं हुए? अरे ये नहीं आ सकता, इसको काम है थोड़ा सा। अरे पर मैंने डिनर नहीं बनाया, ये खाएगा क्या? ये पूरे मुंबई को डब्बे सप्लाई कर रहा है, ये अपने लिए डिनर नहीं अरेंज कर सकता क्या? चलो। तुमने पापा बोला ना, बहुत अच्छा लगा मेरे को, टच किया, बोला। ओके। यार पूरी दुनिया की चिंता करती हो, अपनी चिंता भी कर लिया करो कभी कभी। ये लो, ये ऐसे जाओगे तुम दोनों जाके? स्माइल तो कर दो। चलो। अरे टू इन वन नहीं है तो क्या हो गया, ऑल इन वन तो है। आ, ये बात, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। आप भी ना, कुछ भी कहीं भी शुरू हो जाते हैं, चलिए बस क्या करें। हाँ रहमान भाई, फ्री हैं आप? When we try to fit in, a couple of things happen in the beginning. The world loses shape. And you feel like you're dining with the president in the costume of Fanny. So I tell myself that it don't mean shit if it just don't fit. I'm still ready for it.
I'm crash your car or go too far, but you smile like it's alright. Never mind, I'm gonna let some contradictions be silence. It's just like an apple on a tree, once a day keeps the doctor away, but there'll be trouble, I feel it coming this way. So I tell myself that it don't mean shit. If it just don't fit, I'm still ready for it. And I feel the love that is like moonlight, and it just don't fit, it makes me feel alright. Makes me feel alright.